वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए टू कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। ये डार्क पिंक कलर मैंने लिया हुआ है। ये दोनों कलर का मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत इजी है। और इसमें फ्रेंड्स मैं इसका मेजरमेंट बताना चाहूँगी, इसमें कोई भी फंदे का इशू नहीं है कि आपने कितने फंदे लेने, जितना भी आपने प्रोजेक्ट पर डालना है उतने फंदे आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई उल्टा उल्टा दोनों साइड से, सॉरी सीधे साइड से सीधा और उल्टे साइड से मैंने उल्टा निट किया है, तो यहाँ पे गार्टर स्टिच बन कर आया है। अब मैं येलो कलर से देखिए एक फंदे मैंने येलो कलर से निट करना है और एक स्लिप करना है। एक हमने निट करना है और एक स्लिप करना है। ऐसे ही हमने देखिए एक हमने निट करना है और एक स्लिप करना है। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, टू कलर्स में भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में ऊन भी बच जाते हैं फ्रेंड तब पर भी आप उसका यूज कर सकते हो कि मल्टी कलर में भी ये डिज़ाइन। कुछ भी नहीं देख रहे फ्रेंड, सिर्फ एक हमने निट करना है और एक स्लिप करना है। फ्रंट साइड से ऐसे ही सारे हमने निट करने हैं, वन रो कंप्लीट करना है आगे की साइड की, और बैक साइड से हमारी डिज़ाइन ये बनना स्टार्ट होगा। आप इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये तो मैं सॉक्स बना रही फ्रेंड्स, और इसकी वीडियो मैंने सॉक्स वाली डाली है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए बैक साइड से हमने क्या करना है, यहीं पे आपने ध्यान देना है कि बैक साइड आपने क्या करना है। येलो वाले फंदे को हमने ऐसे ही निट करना है, और बैक साइड से फ्रेंड सारे फंदे हमारे सीधे सीधे निट होंगे, यानी सीधे सीधे बुने जाएंगे। धागा हमारा इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड हमारा धागा रहेगा। फिर हमने निट कर, फिर इस धागे को हमने इस साइड ले लेना है और पिंक वाले को ऐसे उतार लेना। फिर इसको हमने उस साइड किया और येलो को निट कर लिया। फिर पिंक को इधर से कर लिया, और देखिए धागा इधर करके हमने पिंक को उतार लेना है, पिंक वाले फंदे को, और धागा उधर करके हमने ये पीले फंदे को निट करते हुए पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर ले। ये देखिए बहुत ही इजी है फ्रेंड, सारी बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकती हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस बैक साइड से आपको एक चीज़ केयर करना है, जो फंदे हमने निट किए यानी जो फंदे हमने बुने हुए हैं उनको हमने बुनना है, और जो फंदा हमने स्लिप किया है यानी जो फंदे हमने उतारा है उसको उतारना है। बट फंदा को आगे पीछे, सॉरी धागे को, ऊन को आगे पीछे करके हमने पिंक वाले को उतारना है, आगे करके येलो वाले को हमने निट करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी रो हमने निट करके कंप्लीट कर लिया है, और पूरी रो हम आपको निट करके दिखाए भी हैं फ्रेंड ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन हल्की हल्की बन के आ रही है। ये डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स जो मैंने सॉक्स पे बनाया है। ये देखिए ये सॉक्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन मैं बनाना बता रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है ये बन के। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पर तो पिंक कलर वाली दो सिलाई निट की थी सीधे उल्टे की, और फिर हमने यही करना है। अब हमने क्या करना है, येलो वाले से करना है। आपने ऐसे ही ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। अब हमने येलो वाले से आगे की साइड से हमने सीधा सीधा निट करना है, और पीछे पीछे की साइड से फ्रेंड्स
उल्टा उल्टा सारा फंदा देखो। अब सारे फंदे को हमने येलो से ही निट करते हुए जाएंगे। आप इसको फ्रेंड बेबी कैप, सूज, बेबी स्वेटर पे भी इजीली डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा बनकर और बहुत ही इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं, ना फंदे की और ना ही कोई रोकेगी, उल्टे सीधे ही बस निट करना है। ये देखिए हमने सारे फंदे ऐसे ही पूरी रो हमने येलो कलर से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए हमने ये येलो कलर से इस साइड कंप्लीट कर लिया। बैक साइड हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बैक साइड से हमने सारे फंदे को सीधा सीधा निट करना है, यानी दोनों साइड से हमने सीधा सीधा ही निट करना है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से, आगे की साइड से भी, और देखिए बैक साइड से भी हमने ये दोनों रो सीधा सीधा ही निट करके कंप्लीट करना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, आराम से आप लोग बनाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें फ्रेंड, नहीं तो हमारे फंदे एक भी इधर उधर हो जाएंगे। ये देखिए हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई है नेट करके। एक रो मैं आप लोग को और दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे इस डिज़ाइन में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए हमारी डिज़ाइन बनकर ये सेम ऐसे आने लगी है। अब हमने ये येलो से किया है, तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम ये पहले पिंक कलर से एक निट करेंगे। देखिए एक हमने निट किया और एक येलो से स्लिप किया, येलो वाला स्लिप करना है और पिंक कलर से हमने निट करना है। देखिए एक हम बुनेंगे और एक उतार लेंगे ऐसे ही, और आपने ऐसे उतारना है ना कि ऐसे, नहीं तो फंदे हमारे पलट जाएंगे। आपने देखिए आगे की साइड से ऐसे स्लिप कर लेना है, और कुछ भी बिल्कुल भी, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हमने ऐसे ही सारे को निट कर लिया। बैक साइड से हमने क्या करना है, आपको जैसे बताया था मैंने बैक साइड में कि आपने क्या करना है, एक बार और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को, येलो वाला हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है देखिए, और ये पिंक वाले को हमने आगे की साइड ले जाके और सारे फंदे हमने सीधे सीधे निट करने हैं। फिर पिंक को पीछे ले आए, येलो हमने ऐसे उतार लिया, फिर पिंक को निट किया और येलो को ऐसे उतार लिया। ये
ये देखिए हमने ऐसे ही आगे करके निट करना है, बैक साइड करके हमने ये ऐसे स्लिप करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारी डिज़ाइन अब बनकर कंप्लीट हो रही है। ये सिर्फ हमारी दो दो रो की यानी दो दो सिलाइयों की डिज़ाइन है। ये तो मैंने दो लाइन यानी दो डिज़ाइन कंप्लीट की है, एक पिंक की और एक येलो की। मैंने कहा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड्स, इसलिए, नहीं तो मैं एक ही बना के दिखाती। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये बनाकर डिज़ाइन देखिए मेरी कंप्लीट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारी बनकर ये कंप्लीट हो गई है। सेम है जैसे ही डिज़ाइन पूरी बनकर ये आएगी फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो वाले से निट किया था, देखिए।